पूरे 21 साल बाद मुर्दे की सांसें चलने की उम्मीद बढ़ गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, असलियत है। यूपी के अमेठी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आइए आपको बताते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भौसियापुर गांव निवासी गोपाल सिंह का है, जो बीते दिनों अमेठी तहसील परिसर में अपने आगे पीछे SDM साहब मैं जिंदा हूँ का पोस्टर लगाकर न्याय के लिए भटक रहा था। गोपाल सिंह का कहना है कि मुझे मेरे चाचा ने लेखपाल की मिलीभगत से अभिलेखों में मुर्दा करार करके मेरी जमीन अपने नाम करा ली है। अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए गोपाल सिंह 1998 से न्याय पाने की लड़ाई लड़ रहा है, जिसने अब पोस्टर चिपकाकर लोगों के बीच में अपने आप को जीवित साबित करने का प्रयास किया और लोगों के बीच एक कौतूहल बन गया। आपको बता दें, 3 अक्टूबर को इस खबर को नेशन वन ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर देखिए। खबर की गंभीरता को देखते हुए अमेठी के DM ने तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण की जांच कराई, जिसके आधार पर गोपाल सिंह को जीवित मान लिया गया है। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।